हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं डीआरएक्स विकास आप सभी का डीबी प्रो एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, थंबनेल देख के पता लग गया होगा, हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी जीएनएम नर्सिंग 2024 के। किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, फीस फॉर्म फीस है वो कब तक आपकी रिटर्न होगी, यूपी जीईटी और एबीवीएमयू के द्वारा क्या नोटिस निकाला गया था और क्या आगे प्रोसेस रहने वाली है, सारी चीज़ें प्यारे बच्चों हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें डिटेल एनालिसिस में आपको बताऊँगा, ठीक है। सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। आपका एडमिशन शुरू हो गए हैं प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे एडमिशन्स के वेट में बैठे हुए हैं, उनको क्या करना होगा सारी चीज़ें मैं आपको वन बाई वन बताऊंगा। आपको वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखना होगा ताकि वीडियो पूरी समझ में आ सके। सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। यूपी जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम था वो कैंसिल हो गया, आप सभी को मालूम है 28 जुलाई को होने वाला एग्जाम आपका कैंसिल हो गया। एबीवीएमयू यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली थी, ठीक है, आपको ये तो पता होगा प्यारे विद्यार्थियों। अब इसमें हम बात करेंगे मेन, वो किसकी बात करेंगे, फॉर्म फीस आपकी कब तक रिटर्न होगी, कैसे रिटर्न होगी, आपको कैसे क्या करना होगा और आपको क्या प्रोसेसिंग करनी होगी ताकि आपके फॉर्म जल्दी से जल्दी, फॉर्म फीस आपकी वो जल्दी से जल्दी रिटर्न हो जाए और कब तक होने वाली है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे एडमिशन से लेकर, ठीक है। तो बिना स्किप करते हुए प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को एंड तक देखना। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा मैं आपको, अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो नए हों हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों डीबी प्रो एजुकेशन एकमात्र स्थान ऐसा है जो कि जीएनएम नर्सिंग के बारे में एक एक्यूरेट सटीक और एक्चुअल जानकारी बच्चों तक पहुँचाता है। जो भी जो प्रूफ होता है ना, विद प्रूफ बोलते हैं ना भाई, आपको विद प्रूफ सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं भाई, जो राइट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुँचाई जाती है, पर कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दी जाती है, जो राइट इन्फॉर्मेशन होती है, जो ऑफिशियल जो नोटिस होता है वो आप तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे टॉपिक की तरफ, हमारा टॉपिक क्या होने वाला आज के, चलते हैं फिर भाई। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को एक बार लाइक कर देना, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, हमारी की तरफ टॉपिक देखिए, आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक यह है कि सर जीएनएम नर्सिंग की हमारी फॉर्म फीस अभी तक रिफंड नहीं हुई है, सर कब तक रिफंड होगी हमें बताइए। तो उन विद्यार्थियों के लिए यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, तो जो इंपॉर्टेंट नोट आपका आया था वो आपने देख लिया होगा, यूपी जीईटी 2024 एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड, कैंसिल हो चुके हैं आपका 28 जुलाई वाला पेपर। ऑल एडमिशन्स इन जीएनएम कोर्स विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत आपके एडमिशन्स होंगे प्यारे विद्यार्थियों। आपको मालूम होगा यूपी में एडमिशन्स आपके कैसे होते थे, यूपी में आपके डायरेक्ट एडमिशन्स होते थे प्राइवेट कॉलेजों में पहले, आपको पता होगा। और इस बार 2024-25 में एंट्रेंस एग्जाम लागू किया गया था बट आपका एग्जाम है वो कैंसिल हो गया, ठीक है, आपका एग्जाम है वो कैंसिल हो गया प्यारे विद्यार्थियों। और ये लिखा गया है कि आपका जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत आपके एडमिशन्स होंगे बट अभी तक यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आया है। बहुत से बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे सर एडमिशन्स के लिए सीटें फुल हो चुकी है, कॉलेजों में सीटें फुल हो चुकी है, हमें क्या करना होगा सर, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों के लिए यही इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन्स नहीं लिया अभी तक वो कॉलेज में जाए, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम्स है वो कॉलेज स्तर पर होंगे, ठीक है। जो भी प्राइवेट कॉलेजों के स्तर पर आपके एग्जाम्स होंगे, बहुत से कॉलेजों में एग्जाम्स नहीं होते हैं, बहुत से कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाता है, प्राइवेट कॉलेजों में बहुत से कॉलेजों में एग्जाम्स लिए जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज कर रहे थे सर हमारे पास में कुछ मटेरियल नहीं है, हमें क्लासेज स्टार्ट कीजिए जीएनएम नर्सिंग की, हमारे कॉलेज में एग्जाम ले रहे हैं कॉलेज वाले। तो भाई प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन्स होते हैं, ठीक है, वो उनके अकॉर्डिंग एडमिशन्स लेते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग उनका मन करे जैसे कि वो एग्जाम ले सकते हैं, वो आपको डायरेक्ट भी एडमिशन दे सकते हैं, वो आपकी मेरिट बेस बनाकर भी आपका एडमिशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलेज। क्योंकि कॉलेज में जब बात आ जाती है तो वो अपने स्तर से काम करेंगे, जब बात यूनिवर्सिटी पर आती है तो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से चलती है, जैसे कि बच्चों को खदेड़ा जा रहा है, आपको पता है यूनिवर्सिटी बच्चों के साथ में कैसा खिलवाड़ कर रही है। अब यूनिवर्सिटी भाई खुद यूनिवर्सिटी है, वो कुछ भी कर सकती है, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। अब यूनिवर्सिटी ने किस पर छोड़ दिया, कॉलेजों के ऊपर छोड़ दिया यूनिवर्सिटी ने, अब कॉलेज वाले कुछ भी कर सकते हैं, कॉलेज वाले कुछ भी कर सकते हैं, वो एग्जाम ले सकते हैं आपसे, फीस वो मन चाहे उतनी फीस ले सकते हैं, वो 80,000-90,000 जितनी कॉलेज में फीस होगी ना, वो जैसा कॉलेज होगा ऐसी फीस होगी, जैसी पढ़ाई होगी जैसा लेवल का कॉलेज होगा ऐसी ही फीस लेंगे वो वहाँ पे, ठीक है, जैसा लेवल का कॉलेज होगा ऐसी वो वहाँ पे फीस लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको क्या करना होगा, आपको प्यारे विद्यार्थियों जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनका एडमिशन वहाँ पे सिक्योर है, बट बात उनकी आती है सर जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया उनको क्या करना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया है वो जाकर प्राइवेट कॉलेजों में बात करिए, डायरेक्ट कॉलेजों में जाकर आप बात करिए, आपका कॉलेजों में जाकर बात करने से क्या फ़ायदा होगा,
आप कॉलेजों में जाकर अगर बात करेंगे ना तो वहाँ अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग वो बता देंगे कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है एडमिशन का। आपके नज़दीकी कॉलेज में जाओ प्यारे विद्यार्थियों और बात कीजिए क्या प्रोसेस है वहाँ पे, कैसे आपका एडमिशन होगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले सकते हैं भाई। जिनको एडमिशन लेना ही है, जिनको GNM नर्सिंग करनी है उत्तर प्रदेश से, वो जाकर एडमिशन डायरेक्ट ले कॉलेज में। आपके अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं निकाले गए हैं और जो भी फॉर्म निकाले जाएंगे भाई प्यारे विद्यार्थियों, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी ना, DB प्रो एजुकेशन एकमात्र ऐसा चैनल है जो तुरंत आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। अगर वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, वहाँ पर नोटिस सेंड कर दिया जाता है। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम का लिंक से वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही कोई न्यूज़ नोटिफिकेशन आता है, लाइव क्लासेस की सूचना सारी वहीं पे प्रोवाइड करा दी जाती है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो ज्वाइन कर सकते हो। सर ये तो बात हो गई कि हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में, अगर हमें एडमिशन लेना होगा तो हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, वहाँ आप डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले सकते हो। आप कॉलेज में जाइए, वहाँ जाकर बात करिए, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो क्योंकि सीटें फुल हो चुकी है। मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट कर रहे थे, मैसेज भी आए मेरे पास व्हाट्सअप के थ्रू, सर सीटें फुल हो चुकी है। तो प्यारे विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो जाकर एडमिशन ले लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। और जो जिन्होंने एडमिशन ऑलरेडी ले रखा है वो अपना एडमिशन वहाँ पे सिक्योर रहने दे, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बच्चे मैसेज कर रहे थे सर हमारा एडमिशन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एडमिशन वहाँ पे सिक्योर है। अब सर ये बता दीजिए हमें हमारा सर फीस का क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे हमारी फीस कब तक रिफंड आने वाली है। तो आपको पता है आपका यहाँ पे क्या दिया गया था, नोटिस रिफंड प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस विल बी इनिशिएटेड सर, यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा गया था। यह ऑफिशियल नोटिस जो आपको मैंने बता दिया है प्रीवियस की वीडियोस में, ये ऑफिशियल नोटिस है, रिफंड प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस विल बी इनिशिएटेड सन, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस ही आपकी 2000 3000 जितनी भी स्टूडेंट्स की फीस थी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, ठीक है, आपकी जितनी भी फीस थी उस फीस को रिटर्न करने का प्रोसेस यहाँ पर जल्दी इनिशिएट कर दिया जाएगा, यानी जल्दी लागू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक 9 जुलाई के समथिंग आपके एग्जाम्स हैं वो कैंसिल हुए थे, एग्जाम का पोर्टल है वो बंद हो गया था, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई ऐसा मुहिम नहीं चलाई गई है, कोई ऐसा नोटिस नहीं निकाला गया है कब तक आपकी फीस है वो कैसे रिटर्न होगी, कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया गया है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि मैंने आपको डेट बताई थी, क्या बताई थी, 15 जुलाई मैंने आपको डेट बताई थी, 15 जुलाई तक यहाँ पे कोई नोटिस आ जाएगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थी 15 जुलाई निकल चुकी है, यहाँ पे अभी तक कोई नोटिस आया है, तो आपको क्या करना होगा, कैसे आपका प्रोसेस है, कैसे आपके रिफंड प्रोसेस होगा, वापस कैसे आपके पैसे आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि 3000 रुपये 2000 रुपये बहुत होते हैं, और यूनिवर्सिटी प्यारे विद्यार्थियों, यूनिवर्सिटी का आपको पता है मैंने आपको क्या बताया था, पैसे एक बार हाथ से निकल जाने के बाद में उनको वापस लाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। ये तो यूनिवर्सिटी आप कहीं दुकान पर भी जाकर कोई सामान खरीद लोगे तो वो भी आपको पैसे वापस देने को इनकार कर देगा एक बार तो। और यूनिवर्सिटी बहुत डीले काम करती है, आपको पता है यूनिवर्सिटी पैसे लेने में तो बहुत जल्दी करती है बट देने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। जैसे BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी फीस वगैरह रिफंडेबल जो फीस होती है ना, रिफंडेबल जो फीस होती है उसको देने में भी काफ़ी टाइम लगा देती है यूनिवर्सिटी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना होगा, कैसे आपकी फीस वापस आएगी, चलते हैं फिर हमारी बात की तरफ। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑफिशियल जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है, क्या है, www.abbmupeducation.in, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जाके चेक कर सकते हो। और आपको प्यारे विद्यार्थियों जो जीमेल दे रखी है ना, जो आपको जीमेल दे रखे है, जीमेल को देखिए आप, मेन तो ये जीमेल है आपकी, जीमेल abbmupeget24@gmail.com, ये जो जीमेल दे रखी है ना प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस जीमेल पर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करने होंगे। देखिए आपकी फीस है वो रिफंड अभी तक हुई नहीं है, आपको पता है, और यूनिवर्सिटी इस काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम सभी को एक मुहिम चलानी होगी, हम सभी को एक साथ में मिलकर एक कदम उठाना होगा कि सर कदम क्या उठाना होगा, सर कदम आपको ये उठाना होगा, जो आपको ईमेल दिख रही है ना, मैं तो काफ़ी ईमेल करता हूँ भाई रोज़ के, मैं तो बहुत स्टूडेंट्स से मेल करवाता हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों आप सभी इस मुहिम को चलाने में, इस मुहिम को अग्रसर करने में आप सभी सहयोग दें अपना, आपके पैसे हैं वो जल्दी से जल्दी रिटर्न हो सके। प्यारे विद्यार्थियों DB प्रो एजुकेशन परिवार आपके साथ में हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। आप बच्चों का रिव्यू देख सकते हो, क्योंकि DB प्रो एजुकेशन प्यारे बच्चों जो बच्चों के पक्ष में काम होता है ना उसको करता है, बच्चों का जो काम होता है ना राइट, उस काम को DB प्रो एजुकेशन परिवार करता है। अब यूनिवर्सिटी बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रही है तो हम यूनिवर्सिटी की तरफ बिल्कुल नहीं बोलने वाले, हम हमेशा स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, स्टूडेंट के साथ रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों abbmupeget24@gmail.com जो आपको ईमेल दिख रही है ना, इस ईमेल पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेल करना होगा। क्या मेल करना होगा आपको इस ईमेल पर, मेल करना होगा आपको सर
हमारी रिफ़ंड, हमारी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो जल्दी रिफ़ंड करो सर, प्लीज़ रिफ़ंड आवर रजिस्ट्रेशन फ़ीस नेसेसरी जल्दी, ठीक है, नेसेसरी बहुत जल्दी आपकी फीस है वो रिटर्न कर देंगे। आपको क्या मुहिम चलानी होगी, आपको इस ईमेल पर आपको मैसेज करना होगा, ईमेल करना होगा आपको यूनिवर्सिटी को, जो ईमेल आपको मेंशन कर रखी है, सर हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो जल्दी वापस करो, सर हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जल्दी वापस करो, हमें और भी फॉर्म अप्लाई करने हैं। आप जितने ज़्यादा मेल करेंगे ना, एक स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है एक ही मेल करें, एक स्टूडेंट जितना मेल हो सके ना उतना कीजिए, अपने फ़ोन से कीजिए, अपने घर में और भी फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन हैं उनसे भी आप मेल कीजिए, अपने रिलेटिव से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट इससे रिलेटेड क्लियर हो सके, ठीक है। और आप जितना हो सके ना अपने फ्रेंड्स से सबसे करवाइए, जो ये जीमेल दिख रही है ना आपको इस पर मेल करवाइए, सर हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जल्दी रिफंड करो, जल्दी वापस करो हमें, सर हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस किसकी, UPGET की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जल्दी रिफंड करो सर, UPGET की रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमारी जल्दी रिटर्न करो, ये आपको ईमेल करना होगा प्यारे विद्यार्थियों, तब जाकर यूनिवर्सिटी कोई कदम उठा पाएगी। लेकिन अभी तक तो 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक तो कोई कदम उठाया नहीं है यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसी ईमेल पे मेल करना होगा, आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। आपके हेल्पलाइन नंबर पे आप इन पे कॉन्टैक्ट करते रहिए, यूनिवर्सिटी वाले कॉल अटेंड बहुत कम करते हैं लेकिन आपका कॉल अटेंड कर लेते हैं तो इन पे आप कॉन्टैक्ट करते रहिए, ठीक है। आपके दो नंबर मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, एक तो 9519138493, दूसरा आपका नंबर है वो है आपका 8960171290, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करते रहिए, इन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करिए, आप जितना यूनिवर्सिटी वालों को परेशान करोगे ना प्यारे विद्यार्थियों जितना ही जल्दी आपका काम होगा, बहुत जल्दी आपका काम होगा। और आपको कॉल कब तक करना होगा, 10 बजे से 6 बजे तक आपको कॉल करना होगा, ठीक है, 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में आपको कॉल करना होगा। आप जितना कॉल करोगे ना प्यारे विद्यार्थियों, जितना यूनिवर्सिटी वालों को परेशान करोगे उतनी ही जल्दी आपकी रिफंडेबल फ़ीस आएगी। आपको पता है यूनिवर्सिटी के द्वारा ना कोई भी काम सही से नहीं किया जाता है, आपको पता होगा RUHS यूनिवर्सिटी का सिलेबस है BSc नर्सिंग का, वो पुराना वाला डाल दिया था NCERT का, और उसमें से काफ़ी चैप्टर्स हट चुके हैं, जो कि अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 12th पास आउट किए, 11th पास आउट किए, उनमें वो चैप्टर्स है ही नहीं है। और यूनिवर्सिटी ने देखिए प्यारे विद्यार्थियों कितना आलसी है, यूनिवर्सिटी की उठा के पुराना सिलेबस डाल दिया, नया सिलेबस चेक नहीं किया। हमने मुहिम चलाई थी कि बच्चों को बताया गया था कैसे आपको ईमेल करना होगा, बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल किया था, सब ने मिलकर एक काम किया था, तो आखिरकार में उनका वो जो लक्ष्य था वो प्राप्त हो गया। क्या था लक्ष्य सर उनका, उनका ये था कि सिलेबस था वो पुराना वाला डाल दिया, नया वाला डलवाने के लिए वो मुहिम चलाई गई थी, और आखिरकार 3-4 दिन बाद यूनिवर्सिटी ने नया जो सिलेबस था वो डाल दिया था। ऐसे ही आपको क्या करना होगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करना होगा, आप जितनी ईमेल करोगे ना उतने ही आप फायदे में रहोगे, जितने ज़्यादा आप इन पर कॉल करोगे ना उतने ही फायदे में रहोगे, आप जितना ज़्यादा ईमेल करोगे ना आपका जितना जल्दी काम हो पाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको यही काम करना होगा, आपको इस पर ईमेल करना होगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो डायरेक्ट कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकता है, प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट जाकर बात करिए, वहाँ पे किसी स्तर से एडमिशन्स हो रहे हैं वहाँ पे आप जाकर एडमिशन्स ले लीजिए, क्योंकि प्राइवेट का गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला था कि भाई आपके फॉर्म आएंगे, बट अभी तक कोई फॉर्म नहीं आए, सीटें ऑल ओवर फुल हो चुकी हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहता है वो अपने नज़दीकी कॉलेज में जाए और अपना एडमिशन कराएं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। यूनिवर्सिटी के भरोसे बैठोगे तो जब तक सीट फुल हो जाएंगी कॉलेज वाले एडमिशन लेना बंद कर देंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। आपके एडमिशन्स के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था, आपके 1 अगस्त से और 30 सितंबर तक आपके एडमिशन्स चलेंगे अकॉर्डिंग टू INC के नोटिस, ठीक है। INC का नोटिस के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो आपके 1 अगस्त से और 30 सितंबर तक एडमिशन्स होंगे, ठीक है, 1 अगस्त से 30 सितंबर तक। लेकिन बहुत से कॉलेजों में क्या किया जा रहा है, 1 अगस्त से ही क्लासेज स्टार्ट की जा रही है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हो प्राइवेट कॉलेज वालों को पैसा खींचना होता है, प्राइवेट कॉलेज वालों को क्या करना होता है, पैसा खींचना होता है, तो वो जितना जल्दी कॉलेज स्टार्ट करते हैं ना उतनी जल्दी बच्चों की फ़ीस आती है, क्योंकि फर्स्ट की कब जमा करानी होती है, फर्स्ट में जब कॉलेज स्टार्ट होते हैं तो जल्दी जितना कॉलेज स्टार्ट करेंगे ना उतनी जल्दी उनकी फ़ीस आएगी। सेकंड किस्त है वो 30 सितंबर तक उनकी सेकंड किस्त आ जाएगी, इसलिए वो उतनी जल्दी क्लासेज स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर यूनिवर्सिटी INC का नोटिस देखा जाए ना, INC के नोटिस के अकॉर्डिंग तो 1 अगस्त से तो एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं और आपके 30 सितंबर तक आपके एडमिशन्स होंगे, इसके बाद में आपके एडमिशन्स क्लोज होंगे। अब इनके बीच में कभी भी कॉलेज वाले क्लासेज स्टार्ट कर सकते हैं, जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है वो कॉलेज में कॉन्टैक्ट करते रहना भाई, ठीक है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो जाकर डायरेक्ट
एडमिशन ले लीजिए। पैसों का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, कैसे आपका पैसा रिटर्न होगा प्यारे विद्यार्थी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेल करना होगा, ठीक है। और आपको पता है डीबी प्रो एजुकेशन पर जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन, यूपी जीईटी की, पैरामेडिकल की, फार्मेसी की, सबकी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। लाइव क्लासेज की सूचना भी टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है प्यारे विद्यार्थियों, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो कि जीएनएम की अगर क्लासेज लेना चाहता है प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन्स के लिए, तो शाम को सात बजे आपकी साइंस की क्लास लाइव आती है, वहाँ पर अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और अगर क्लासों का शेड्यूल चेंज किया जाता है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ओके। तो आप वो ज्वाइन कर लेना प्यारे विद्यार्थी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना सभी स्टूडेंट्स। चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए, मेनली हमारे ये चैनल पर क्या होता है, बच्चों के कमेंट्स देखकर वीडियो बनाया जाता है। बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, उनके ऊपर यह वीडियो आया है। बच्चों के जो ज़्यादा कमेंट्स थे, ज़्यादा डिमांड थी, उसके ऊपर वीडियो बनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करके हमें बताइए, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो चलते हैं फिर, करते हैं प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को स्टॉप, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट कमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।